सो गाइस, तुम लोग को माइनक्राफ्ट के फार्मर्स के बारे में तो पता होगा ही, जो कि माइनक्राफ्ट की वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंटिटी है। लेकिन ये स्टोरी एक ऐसे फार्मर की है जो कि बहुत पीसफुल था, पर वो एक ऐसे एविल के अंदर तब्दील हो जाएगा, ये चीज किसी ने भी नहीं सोची थी। लेकिन इस वाले सफर को शुरू करने से पहले हमें उस फार्मर की पूरी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, लेकिन ये हिस्ट्री एक मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी, ये चीज किसी को भी नहीं पता था। तो आओ साथ में देखते हैं उस फार्मर की हिस्ट्री। हिस्ट्री देखने के बाद इसकी मिस्ट्री को जानते हैं, जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ द हार्वेस्टर। तो चलो यार साथ में शुरू करते हैं इस वाले सफर को और देखते हैं द हार्वेस्टर जैसी कोई एंटिटी माइनक्राफ्ट में रियली में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। एंड नाउ लेट्स बिगिन। लेकिन रुको जरा, इस वाली वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इस वाली वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि इससे हमें लिटरली मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि तुम लोग ऐसे ऐसे कंटेंट और मिस ना कर सको। एंड आज की हमारी इस वाली वीडियो का लाइक गोल होने वाला है, जो कि है 101 लाइक्स का। यस, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइक है, तो जाओ जाके देखते हैं कौन है वो लास्ट लकी बंदा। एंड नाउ लेट अस बिगिन टू द स्टोरी। तो ये स्टोरी शुरू होती है मिस्टर जेम्स नाम के एक बंदे से, जो कि हर एक इंसान की तरह एक सिंपल इंसान था। वो भी सारे लोगों की तरह रोज सुबह सुबह अपने काम पे जाता और वो अपने फार्म्स के अंदर बहुत ही मेहनत से काम करता था। उसकी लाइफ भी हर लोगों की तरह सेम थी। वो रोज सुबह अपने काम पे जाता, बहुत ही मेहनत करके फार्मिंग करता। फार्मिंग करना उसका एक पैशन बन चुका था। पर एक दिन जब अपने फार्म में जा रहा था, तो वो देखता है कि उसका फार्म लिटरली पूरा का पूरा सूख चुका है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा सैड भी हो जाता है। और इस चीज की शिकायत करने वो चीफ के पास जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारे विलेजर को भी बताता है। और वो सारे के सारे चीफ के पास जाते हैं पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बट चीफ उन्हें साफ साफ मना कर देता है। और चीफ की बात सुनने के बाद वो उस वाले विलेज को छोड़ देता है। लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा काम किया जो कि लिटरली किसी ने नहीं सोचा था, एंड उसने एक पहाड़ से नीचे जंप कर दिया था। ओके लेट्स गो, फाइनली मैं स्पॉन हो चुका हूँ। और लिटरली मुझे एक चीज पे बिल्कुल भी ज्यादा यकीन नहीं हो रहा है कि ये वाला जो मॉब था, ये लिटरली 1.18 के अंदर ही देखा गया था। एंड या आई नो तुम लोग भी बिलीव नहीं कर रहे होगे, बट या ये सच्ची में 1.18 के अंदर देखा गया था। एंड नाउ मैं अभी तो वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ टूल्स वगैरह तो इकट्ठे कर ही लूँ यार, क्योंकि कुछ नहीं पता, क्या पता सच्ची में लड़ाई हो जाए। ओके सो नाउ लेट्स गो, मेरे यहाँ पे सारे के सारे टूल्स कम्प्लीट हो चुके हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक है, बट हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे कुछ इस टाइप के एंटिटी को ढूंढना है। भाई साहब यहाँ पे तो लिटरली यहाँ पे लैंड ही खत्म हो चुका है, और लिटरली मुझे अभी तक उसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। ओके मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मैंने एक बोर्ड बना के दूसरे वाले साइड पे चलता हूँ। ये मिस्ट्री तो मैं सॉल्व करके जाऊंगा, हिस्ट्री तो हमें पता ही है, पर मिस्ट्री हमें जाननी है। नाउ लेट्स गो, हम लोग चलते हैं दूसरे वाली साइड पे। एंड भाई साहब यहाँ पे मैं तुम लोग दिखा दूं यार, ये कितनी ज्यादा बड़ी वाली रवीन है यार। एंड भाई यहाँ पे तो लिटरली बहुत सारा स्टफ मिल जाएगा। एंड भाई ये लिटरली कितनी ज्यादा डीप और डार्क केव है। नहीं नहीं अबे यार, मुझे इतनी ज्यादा जल्दी क्यों रहती है हर चीज करने में। ओके भाई देखो, अभी तक मुझे जहां तक पता है मैंने पूरा ये वर्ल्ड आधा तो घूम ही लिया है, पर मुझे लिटरली द हार्वेस्टर का कोई भी सबूत नहीं मिला। जिस चीज का डर था वो चीज एक्चुअली में हो चुकी है। अबे भाई यहाँ पे तो लिटरली इतनी ज्यादा रात हो चुकी है, अब तो ऊपर से मॉब भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं, पर चलो कोई बात नहीं। ओके भाई देखो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ द हार्वेस्टर को, पर या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे जहां तक पता है जो भी आर्टिकल में लिखा था सब कुछ फेक था। तो अबे भाई एक सेकेंड, वेट अ सेक, भाई वहां पे क्या ये रेड मून है? हेलो अबे यार ये क्या, कुछ भी भाई कुछ भी। भाई माइनक्राफ्ट में कब से रेड मून आने लग गए? ये थोड़ा सा अजीब है, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा अजीब है यार। देखो जहां तक मैंने माइनक्राफ्ट खेली है, माइनक्राफ्ट में अभी तक मैंने कभी रेड मून नहीं देखा है, ठीक है, बट ये रेड मून अचानक से कैसे दिख रहा है मुझे? देखो जहां तक मैंने आर्टिकल में पढ़ा था ना, आर्टिकल में लिखा था कि वहां पे रेड मून स्पॉन नहीं होता, वहां पे वो बहुत सारे फार्म्स को स्पॉन करता है। बट रेड मून देखो वहां पे कुछ ऐसा नहीं लिखा था, मून तो वहां पे सिंपल होता है, एंड ये रेड मून थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। आई थिंक सो हमें सबूत मिल रहे हैं। और भाई वेट अ सेकेंड, भाई साहब यस लेट्स गो, भाई फाइनली हमें पहला सबूत, हमारा दूसरा सबूत भी मिल चुका है। जहां तक मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, आर्टिकल में कुछ फोटोज भी थी, और उसमें कुछ ऐसी फोटोज थी मतलब उस विलेज में पूरी आग लग चुकी है और हर जगह लावा ही लावा है। एंड यस ये विलेज की फोटो लिटरली में सेम है भाई, वो देखो वो स्कल मतलब ये वाली फोटो बिल्कुल रियल थी। और यस
ये चीज ऐसी ही है भाई। देखो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये सब अचानक से माइनक्राफ्ट में ये देखो ये चीज मुझे पहले ही बहुत ज्यादा डरा रही है और कितनी ज्यादा अजीब है भाई ये सब चीजें। और जहां तक मैंने पढ़ा था आर्टिकल में लिखा था कि वो जो हार्वेस्टर है वो कुछ फार्म्स को स्पॉन करता है और उस फार्म्स में से कुछ ना कुछ नए नए मॉब्स बाहर आते हैं। देखो आर्टिकल में तो ऐसा ही लिखा था कि वहां पे बहुत सारे मॉब्स को स्पॉन करता है और वो हमें मारते हैं, बट यार ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है क्योंकि वहां पे लिटरली बस मॉब स्पॉनिंग तक की बात थी। एंड पहले यार ऊपर चलो यार, यहाँ पे इतने सारे मॉब्स हैं ना यार, इनसे बचता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स गो यार, मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ। भाई साहब देखो मैंने अभी तक जितना भी वर्ल्ड घूमा है ना, द हार्वेस्टर मुझे लिटरली में एक बार भी नहीं दिखा है। और हाँ देखो ये फोटोज वगैरह जो विलेज की है ये लिटरली डिट्टो सेम है, बट द हार्वेस्टर मुझे अभी तक नहीं दिखा क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है यार। पर अभी हम लोग हार नहीं मानने वाले, हम लोग फटाफट से नीचे चलते हैं और नीचे जाके ना हार्वेस्टर को ढूंढना है बस हमें। एंड यहाँ पे लिटरली इतने सारे स्कल्स हैं यार। अरे मिस्टर जेम्स भैया किधर हो यार, 10 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, आ जाओ यार। एक तो ये मून भी कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, ऊपर से मेरी और भी ज्यादा फट रही है यार, ये थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है यार। चलो हम लोग चलते हैं अभी आगे की तरफ। ऊपर से यहाँ पे वे ये फार्म तो देखा देखा सा है यार ये। अबे यार ये वही फार्म है, ओके आर्टिकल में सेम फार्म था। अरे भाई मेरी पहले ही बहुत ज्यादा फट रही है, ऊपर से ये फार्म ने तो और भी ज्यादा फाड़ दी। वेट अ सेकेंड भाई साहब, ये सब लिटरली खतरनाक है यार। डू नॉट एंटर। भाई क्या क्या हो क्या जाएगा, एंटर नहीं करूंगा तो। If you enter, you die. भाई साहब literally कुछ भी, अगर मैं यहाँ पे enter करूँगा तो literally मेरा player मर जाएगा, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। But फट तो मेरी वैसे भी रही है, लेकिन देखो मेरे को जाके देखना पड़ेगा क्योंकि ये mystery हमें solve करनी है, ठीक है ना। और ओ भाई wait a second, ये क्या भाई ये तो the harvester है। सो गाइज अगर तुम्हें जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो उससे पहले तुम्हें इस वाले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। यस लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ हमारी लाइक गेम कंप्लीट करने पे नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि है 101 लाइक्स का, सो जाओ जाके लाइक करो। एंड यार जैसे हमारा लाइक गेम कंप्लीट हो जाएगा वैसे इस वाले वीडियो का पार्ट 2 भी आ जाएगा, पार्ट 2 में इस मिस्ट्री से सारा पर्दाफाश हो जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड बाय।